नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है अब टीना डाबी की शादी को, जब टीना डाबी प्रदीप गवांडे से शादी कर चुकी हैं और हमेशा हमेशा के लिए प्रदीप गवांडे की हो चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में टीना डाबी ने एक बार फिर से अतहर आमिर से फ़ोन पर बात की है। दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ, आपको बता दें, टीना डाबी और अतहर आमिर का जो रिश्ता है वो लगभग अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कई बार ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और कई बार हमें विश्वास भी नहीं होता। लेकिन ऐसी एक बार फिर से खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि टीना डाबी और अतहर आमिर के बीच में जो दोस्ती है वो दोस्तों एक बार फिर से आगे बढ़ चुकी है और इनकी दोस्ती धीरे धीरे करके बहुत देरी से आगे बढ़ रही है और दोनों एक बार फिर से बात करने लग गए हैं। अब ऐसे में जो अतहर आमिर और टीना डाबी के फैंस हैं वो इस तरह का अंदेशा लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अतहर आमिर और टीना डाबी के बीच में ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और इनकी करीबियां बढ़ जाएंगी। इसी बीच खबर निकल कर आ रही कि टीना डाबी और अतहर आमिर ने फोन पर बात की है। दोनों के बीच में जहां एक दूसरे के हाल चाल को लेकर बातें हुई हैं तो वहीं अतहर आमिर और टीना डाबी ने एक दूसरे के रिश्ते को भी बात की है। साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले अपने जीवन के लिए, नए जीवन के सफर के लिए दोनों ही खुश रहें। इसके अलावा बता दें कि जितने भी टीना डाबी और अतहर आमिर के फैंस हैं वो भी ये चाहते हैं कि टीना डाबी और अतहर आमिर की एक बार फिर से शादी हो जाए, लेकिन अब शायद ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब अतहर आमिर और टीना डाबी सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और इनके बीच में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीना डाबी ने प्रदीप गवांडे से शादी करके इन बातों पर मोहर लगा दी है। यानी कुल मिलाकर के टीना डाबी और अतहर आमिर सिर्फ और सिर्फ अब एक दोस्त रह गए हैं, इससे ज़्यादा इनके बीच में कुछ नहीं है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।